तो हेलो एंड जय हिंद एवरीवन। और भाई यार, यहाँ पर जो IRTS का शंटिंग मिशन और न्यू रूट का जो अपडेट है वो यहाँ पर होपफुली सबको मिल चुका होगा। यहाँ पर जो पब्लिक अपडेट है वो यहाँ पर सभी के लिए जो है वो रिलीज़ कर दिया गया है। अब यार यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स और इंस्टाग्राम पर मेरे को पर्सनली मैसेज भी किए जा रहे हैं कि भाई हमारा जो शंटिंग मिशन है वो हमें खेलने में दिक्कत हो रही है, वो यहाँ पर क्रैश हो रहा है और जो शंटिंग मिशन है उसमें यहाँ पर हमें लैगिंग की भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो भाई यहाँ पर पर्सनल मैसेज यहाँ पर जब मेरे को किया गया तो यहाँ पर जब मैंने वीडियो मांगी तो भाई यहाँ पर कुछ और ही चीज़ थी। यहाँ पर जो आप कुछ गलतियां कर रहे हो जो कि यहां पर आपको नहीं करनी है, जिसकी वजह से आप अपना जो शंटिंग मिशन है उसको यहां पर प्ले नहीं कर पा रहे हो और यहां पर आपको लगता है कि भाई यहां पर ये गेम की ही प्रॉब्लम है और जो गेम है वो अपना क्रैश कर जा रहा है। तो भाई यहां पर मैं आपको बता दूं, गेम को अच्छे से 3-4 बार टेस्ट करके ही यहां पर आपको अपडेट दिया गया था। थोड़ी सी यहां पर दिक्कत हो गई थी, अपने लिबरी जोन में चल नहीं रहा था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ और डेवलपर्स की तरफ से मैं भी माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि यहां पर मैंने भी ध्यान नहीं दिया था। और आगे की बात करते हैं तो बहुत लोगों का डाउट है कि जो गेम है उसमें यहाँ पर कोई दिक्कत है, तो भाई यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो गेम है वो यहाँ पर एकदम सही है, कोई भी दिक्कत गेम में नहीं है। बस आप यहाँ पर कुछ गलतियाँ हैं जिन्हें करते हो वो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आपको नहीं करनी है तो आप अपना जो शंटिंग मिशन है वो सक्सेसफुली जो है वो कम्प्लीट कर पाओगे। तो भाई जो गलतियाँ हैं वो यहाँ पर शंटिंग मिशन के स्टार्टिंग में तो नहीं होती हैं, जहाँ पर जो गलतियाँ शुरू होती हैं वो यहाँ पर तब होती हैं जो अपनी शंटिंग है वो स्टार्ट होने वाली होती है। तो वहाँ पर मैं आपको ले चलूँगा, यहाँ पर सारे रूल्स बताऊँगा जो कि आपको कायदे से फॉलो करने हैं, उन्हें अगर आप फॉलो करोगे तो आपका जो शंटिंग मिशन है वो कभी भी क्रैश नहीं होने वाला है। तो लैगिंग की प्रॉब्लम की यहां पर बात करते हैं, तो अगर आपका जो गेम है वो यहां पर आपको लैगिंग की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो आपको अपने वेदर वाले बटन पर जाना है, आपको यहां पर क्लियर स्काई पे सेट करना है, यानी कि आपको क्लाउडी वेदर में अपना जो गेम है वो यहां पर प्ले नहीं करना है। और कोशिश करो कि यहां पर आप कम से कम वेदर को सेट करो और ग्राफिक्स भी अपने लो पर सेट करके प्ले करो, तो जिससे कि आपका जो गेम है वो यहां पर लैग नहीं होगा। अब चलते हैं यहाँ पर हम सीधे उस पॉइंट पे जहाँ पर आप गलतियाँ करते हो जिसकी वजह से जो आपका जो शंटिंग मिशन है वो यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो भाई मेन प्रोसेस आपका यहीं से स्टार्ट हो जाता है, जब आपकी ट्रेन यहाँ पर स्टेशन पर आने वाली होती है अपने मथुरा जंक्शन पर, तो यहाँ पर आपको तो भाई सबसे पहला काम यही कर लेना है, आपको अपनी ट्रेन की स्पीड को 50 से नीचे लेके आ जाना है। ये अगर आप जितना धीरे शंटिंग करोगे उतना धीरे यहाँ पर आपके लिए सही रहेगा। अब यहाँ पर पहली चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी, आपको अपने मथुरा स्टेशन पर आते ही अपनी जो स्पीड है ट्रेन की वो यहाँ पर धीरे कर लेनी है। उसके बाद यार यहाँ पर आगे बात करें तो अगर आप बहुत तेज़ी से यहाँ पर अपने ट्रेन के ट्रैक को चेंज करवाओगे तो यहाँ पर उसमें भी आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है, जो आपका लोकोमोटिव है वो यहाँ पर पटरी से उतर भी सकता है। और दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ यहाँ पर मैं आपको बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो ग्रीन कलर का सिंबल दिख रहा है, यानी कि जो ग्रीन कलर का यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत दिख रहा है आगे जो बैरियर था, उसके आगे आपको अपनी ट्रेन को नहीं ले जाना है। जैसे ही यहाँ पर उसको टच होगा यहाँ पर आपके पास एक पॉपअप शो हो जाएगा कि अब आपको अपनी ट्रेन को रिवर्स लेके जाना है। तुरंत के तुरंत आपको अपने रेड सिग्नल से पहले जो है वो ब्रेक लगा देना है। अब यहाँ पर आपको रिवर्स पर क्लिक करना है, रिवर्स पर क्लिक करने के बाद आपको अपना जो लीवर है उसको यहाँ पर उल्टा पुल करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि यहाँ पर स्टार्टिंग में जो अपना लीवर है लोग बहुत तेज़ी से खींच देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर यह होता है कि जो ट्रेन है वो बहुत तेज़ी से अपने अपने ICF कोच पर टकराती है और जो आपकी कपलिंग है वो यहाँ पर कैंसिल हो जाती है। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, एक रूल यहाँ पर आपके लिए सेट किया गया है कि अगर आप बहुत ही तेज़ी से अपने शंटिंग मिशन को कंप्लीट करोगे तो आपकी जो मिशन है वो यहाँ पर जो है वो नहीं हो पाएगा, यानी कि अगर आप तेज़ी से कपलिंग करोगे तो आपका जो शंटिंग मिशन है वो यहाँ पर फेल हो जाएगा। अब यहाँ पर किस तरह से आपको फेल होता हुआ दिखाई देगा, पिक्चर इमेज पर इमेज देख पा रहे होगे, यहाँ पर आपको एक पॉपअप शो होगा कि आपका जो गेम है वो यहाँ पर ओवर हो चुका है, ठीक है भाई। तो धीरे से यहाँ पर आपको अपनी ट्रेन को लेके आना है, काफ़ी धीरे, जैसे आप देख पा रहे हो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको धीरे धीरे रोक रोक के भी ला सकते हो, यहाँ पर रियल टाइम आपको फील देखने को मिलता है जैसे रियल में वो धीरे धीरे ट्रेन लेके आते हैं कपलिंग करने के लिए, ठीक उसी तरह से यहाँ पर आप कर सकते हो। तो भाई अगर आप ये सब चीज़ें करते हो, अगर आप इतने ही धीरे से कपलिंग करते हो तो आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम अपने देखने को नहीं मिलेगी, आपके पास एक फिर से पॉप अप आ जाएगा कि आपकी जो शंटिंग है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको अपनी ट्रेन को चुपचाप से फॉरवर्ड लेके जाना है और आगे का जो व्यू है वो यहाँ पर इन्जॉय करना है। उम्मीद करता हूँ भाई यहाँ पर ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो तो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल है इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना, क्योंकि बहुत लोगों को शंटिंग मिशन प्ले करने में दिक्कत आ रही है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बगल में देखे बेल आइकन उसे भी ऑन करके आप नोटिफाइड रह सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे ऐसी किसी वीडियो के साथ। दिस इज ईशान साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।